हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर बनाएंगे। ये देखिए आप कितना अच्छा, कितना सुंदर, बिल्कुल हरा हरा इस पालक पनीर का कलर आया है। जैसा मैंने बनाया है उसी तरह बनाए। इसके लिए रेसिपी को पूरा अंत तक देखें। चलिए स्वादिष्ट ढाबा स्टाइल लहसुनी पालक पनीर बनाना शुरू करते हैं। के लिए मैंने 300 ग्राम पालक को अच्छी तरह से साफ करके धो के लिया है और एक बड़ी सी कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी में हमें एक चम्मच चीनी डालना है जिससे पालक का कलर बिल्कुल हरा बना रहेगा। पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें पालक डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पालक की जो पतली पतली डंठल होती हैं वो भी मैंने इसमें ली है। ज्यादा मोटी डंठल ना ले, साथ ही इसमें 3 से 4 हरी मिर्च भी डाले। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉइल करना है। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम ये पालक को निकाल के तुरंत ही ठंडे पानी में डालेंगे जिससे कि इसका कुकिंग प्रोसेस एकदम से रुक जाएगा। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालना है। अब ढाबा स्टाइल बना रहे हैं तो इसमें खड़े मसाले तो आएंगे ही। इसके लिए खड़े मसालों में 1 तेज पत्ता, 3 से 4 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग और 1 इंच दालचीनी का लिया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच जीरा डालना है और इन मसालों को खुशबू आने तक अच्छे से भून लेना है। गैस का फ्लेम लो रखे, ध्यान रहे मसाले जलने नहीं चाहिए। अब यहाँ पे मैंने 10-12 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके लिया है, इसे भी तेल में डालना है। साथ ही 1 इंच अदरक के टुकड़े को बारीक कट करके लिया है, इसे भी हम तेल में डालेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जिससे अदरक और लहसुन का कच्चापन निकल जाएगा। 2 से 3 मिनट बाद देखिए यह हल्का सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, तो हल्दी हमें बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है जिससे कि ये लहसुनी पालक पनीर है उसका कलर निखर जाएगा। साथ ही हम इसमें 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। तब तक हम ये जो पालक है इसका प्यूरे बना लेंगे। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आप चाहे तो पानी स्किप भी कर सकते हैं। तो ये प्यूरे बनके तैयार है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। पनीर को बड़ा छोटा आप जैसा चाहे वैसा कट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तेल अच्छे से छूटने लगा है और ये जो टमाटर है ये भी अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर हमें ज्यादा नहीं डालना है, इससे भी सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे और ये मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है जिसे मैंने हल्का सा भून लिया है। भूनने के बाद इसका स्वाद और बढ़ जाता है, तो इस तरह से हाथों में लेके इसे मसल के डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। कोई भी सब्जी बनाते हैं तो ये जो मसाला होता है प्याज टमाटर का, इसे भूनना बहुत जरूरी होता है। इसे जितना आप अच्छे से भूनोगे उतना ही इसका स्वाद बढ़ता है और सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। तेल देखिए बहुत अच्छे से छूट रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे। कच्चा बेसन है इसलिए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भूनना है। बेसन अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें जो पालक का पेस्ट बनाया था ना वो डालेंगे, साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाल दे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये पालक का पेस्ट डालने के बाद इसे ढकना नहीं है, ढकने से सब्जी का कलर चेंज हो जाता है। जितना आप इसे ओपन रख के पकाएंगे उतना ही इसका हरा कलर बना रहेगा। इसे 2-3 मिनट के लिए
लो फ्लेम पे बॉईल होने दे। कढ़ाई में मैंने एक चम्मच तेल लिया है। तेल में हमें पनीर को फ्राई कर लेना है। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा इसे फ्राई करना है। ज्यादा फ्राई करेंगे तो यह हार्ड हो जाएगा। पनीर को निकाल लेना है। अब ये जो बचा हुआ तेल है इसमें 7-8 लहसुन की कलियां हैं, उसको बारीक कट करके डाल देना है और इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। अब हम इसमें 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब ये पनीर के पीसेस हमें सब्जी में डालना है, साथ ही ये जो तड़का है ये भी डाल देना है। लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे, तो नमक हमें सावधानी से डालना है क्योंकि पालक में बहुत नमक हो जाता है। मैं बटर भी डाल रही हूँ, तो आप भी अगर बटर डालते हैं तो नमक बहुत सावधानी से डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो आप देख सकते हैं पालक का कलर कितना प्यारा लग रहा है और ये जो सब्जी है इसका टेस्ट भी बहुत यम्मी है। ये जो दोबारा से हमने लहसुन का तड़का लगाया है इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पे पकने दे। उसके बाद इसमें 4 चम्मच फ्रेश क्रीम डालना है। आप चाहे तो घर में जो मलाई होती है उसे भी अच्छे से फेंट के डाल सकते हैं। मलाई डालने से इसका स्वाद और टेक्सचर दोनों बहुत ही क्रीमी हो जाता है। अब इसे 1 मिनट के लिए और पकाएं। उसके बाद हमारी लहसुनी पालक पनीर बनके तैयार है। इसकी प्लेटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 चम्मच ही मैंने इसमें बेसन डाला था, इससे सब्जी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। तो ये देखिए कलर कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी ये बहुत स्वादिष्ट है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये जो लहसुनी पालक पनीर है बनके तैयार हो जाती है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।